मेरे कबीले वासियों, जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हम मृत्यु की तरफ बढ़ना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, परंतु हमें मृत्यु कैसी चाहिए इसका निर्णय हम कर सकते हैं। बैरम खान की लगाई आग हमारे जंगल की तरफ बढ़ रही है, हमारी तरफ बढ़ रही है, इसलिए हमारे पास केवल दो ही मार्ग हैं। या तो हम उस बैरम खान के सामने सर झुका दें, या गर्व से अपने इन जंगलों में जलकर मर जाए। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम बैरम खान के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हम अपने जंगलों में गर्व के साथ जलकर मरेंगे। गुरुवर, ये सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों सारे कबीले का अग्निसमर्पण वाला बलिदान कर रहे हैं ये लोग, जबकि गुरुवर ये सारे लोग अपना जीवन सरलता से बचा सकते हैं। और प्रताप, आपको उनके आत्म बलिदान पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, विशेषकर तब जब स्वयं आपकी वंशावली सर झुकाने से श्रेष्ठ सर कटाने को मानती आई है। परंतु गुरुवर, आग बढ़ती जा रही है। गुरुवर, हम सचमुच सचमुच इन्हें बचाना चाहते हैं। गुरुवर प्रताप, जब ये चूहा अंधेरे से निकलने का मार्ग ढूंढ सकता है, तो क्या हम इस परिस्थिति से निकलने का मार्ग नहीं खोज सकते? गुरुवर, हम जान गए हमें क्या करना है। हमें विश्वास था कि आप अवश्य ही कोई मार्ग ढूंढ निकालेंगे। समय बहुत कम है, जाइए उनका मार्गदर्शन कीजिए। क्या क्या करूं? रुकिए सभी लोग, आप सभी लोगों को जंगल में जलकर मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब जिएंगे, किंतु इसमें हमें आप लोगों की सहायता चाहिए। हमने इसके लिए एक युक्ति सोच ली है राणा खेता जी। मेरी आंखों के सामने मेरा जंगल जल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। प्रताप की बातों पर भरोसा कर कर मैं चुपचाप बैठ कर अपना चलता हुआ घर देख रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, करना ही होगा। ये क्या कर रहे हो? देखो देखो, तुम दोनों मुझे जाने दो, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा। इतने बॉसों से बाजरत के साथ रहकर मैंने जितना जानता हूँ, एक बात तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ, यदि बाजरत कोई वचन लेते तो उसे अवश्य ही निभाते हैं। इसमें हमें उतना ही करना है जितना उन्होंने करने के लिए कहा है। समझ गए नत्था? याद रखना ये बात। पूरे बल से रस्सी को कसिए। ध्यान रहे कि नालियां चौड़ी कम किंतु अधिक गहरी रहे, क्योंकि हम जिसमें पानी डालें तो पानी तीव्र गति से दौड़ना चाहिए। कुंवर प्रताप, हमने आपके कहे अनुसार नालियां तो खोद दी, और ये नालियां असंख्य चूहों के बिलों से जाकर मिल रही है, पर आपने ये नहीं बताया कि आपकी योजना क्या है। अच्छा देखिए, साधारण परिस्थिति में हम सब जानते हैं कि चूहे
धरती पर चलने के बजाय अपने खोदे हुए बीलों में दौड़ना अधिक पसंद करते। अब आप सब अपने जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं और आप लोगों ने चूहों के बीलों तक जाने वाली सारी नालियां भी खोद दी। अब प्रश्न ये है कि हम इन नालियों का क्या करते हैं और अपनी ओर बढ़ती हुई आग को कैसे रोकते हैं। हम इन नालियों में इस प्रकार पानी डालते हैं। अब चूंकि सारी नालियां चूहों के बिलों की ओर जा रही है, तो जैसे जैसे ही हम इन नालियों में पानी भरते जाएंगे, सारे चूहों के बिल पानी से भर जाएंगे और पूछ में बारूद बांधे चूहे जैसे ही अपने बिल में प्रवेश करेंगे, वे सामने से तेज बहाव से आता पानी देख घबरा जाएंगे और घबरा के वे जिधर से आए हैं उधर ही वापस चले जाएंगे। और जैसे ही चूहे पलट कर भागने लगेंगे, तेज बहाव से आता पानी उस आग को भी बुझा देगा जो चूहे अपने साथ लाए। तो यूं हम चूहों को वापस वहीं भेज देंगे जहां से वे आ रहे हैं और उनके साथ उनकी पूंछ में लगा वो बारूद उसी दिशा में वापस चला जाएगा जहां से वे आ रहे हैं। प्रताप, अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझता था ना? देख, हमने मामूली चूहों की मदद से तेरा शिकार कर लिया। हुजूर, हमारे चूहे लौट के वापस आ रहे हैं। हुजूर, वो देखिए, जंगल में आग का बलना रुक चुका है। तो ये क्या? हुजूर, चूहे पलट के इसी तरफ आ रहे हैं। भालो, एक भी चूहा हमारे बारूद के जखीरों तक नहीं पहुंचना चाहिए। सिपाहियों, भाइयों, पकड़ो चूहों को, भागो, भागो। इस चूहे को संभालो, ये बारूद की तरफ बढ़ रहा है, संभालो इसे, संभालो, संभालो इसे। ये तो हो गया, परंतु हम उस आग का क्या करेंगे जो जंगल में लग चुकी है? आप बिल्कुल चिंता ना करें कुमार प्रताप, हम वनवासियों के पास एक औषधि चूर्ण होता है जिसके छिड़काव करने से आग रुक जाती है। मैंने कबीले के कुछ अनुभवी भीलों को भेज दिया इस कार्य के लिए, तो छिड़काव करेंगे और आग तुरंत रुक जाएगी। जंगल में आग को फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती थी कुमार प्रताप, आपकी अद्वितीय युक्ति ने ये कार्य भी करके दिखा दिया। सरदार, सरदार, तू चूहे वापस गांव की ओर जा रहे हैं। अब लगता है वे पानी के पहुंचने से पहले पलट के भाग रहे हैं। आप उन चूहों की चिंता मत कीजिए, ये घर के भेदी हैं, ये पुनः बैरम खान की लंका में जाके ही अग्नि लगाएंगे। हमारे सिपाही चूहों तक को नहीं संभाल सकते, हमारे बारूद खाने तो महसूस है। जी हुजूर, और अगर यहाँ पे कोई नुकसान होता भी है तो उसको दुरुस्त करवाने के लिए हमने गाँव से कुछ मजदूरों को बुलाया है। ये देखो नत्था को। क्या चाहते हो तुम लोग? मैं अपने परिवार के कुशल मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकता हूँ। अरे वहाँ देखो, भगवान तुम्हारी याचना का फल वहाँ दे रहा है। आओ चलो दिखाता हूँ। सच? देखा देखा नत्था, जंगल बच गया है, आग बुझ गई है, बस थोड़ा सा काला धुआं रह गया है। सच कह रहे थे, वो बचा लेंगे हमारे परिवार को, मेरे जंगल को,
मेरे भील, मेरे भाई बंधु को। नथा, अब तुम्हें हम पर विश्वास ना करने के लिए क्षमा तो मांगनी चाहिए। वैसे नहीं मांगोगे तो भी चलेगा, अगर मांग लो तो ठीक रहेगा। अरे नथा, ये नथा कहाँ चला गया अचानक? पता नहीं प्रताप ने ये सब कैसे किया। सारे इम्कान दुरुस्त थे, सोची समझी चाल चली थी, फिर कैसे? अरे वो रो नथा, ये नथा पागल हो गया क्या? अरे आ जाओ चुपचाप। बहराम खान, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था ना, आकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख ले, तेरी 40,000 सैनिकों की सेना भी कुंवर प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फौरन इस कंजर्फ को हमारे सामने पेश किया जाए। रावजी, कुंवर प्रताप और भीलों के बीच क्या प्रगति हुई है इसकी अब तक हम तक कोई सोचा नहीं पहुंची। क्या भीलों ने बैरम खान को जंगल से निकलने का रास्ता दिया है या नहीं? जी नहीं राणा जी, बैरम खान और उसकी सेना ने अब तक भीलों का जंगल पार नहीं किया, क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो हमारे विशेष गुप्तचर हम तक ये समाचार अवश्य पहुंचा चुके। एक बार हम राव सुल्तान से निपट लें, उसके बाद कुंवर प्रताप की सहायता के लिए भी हम पहुंच जाएंगे। राव जी, सैनिकों एक बात ध्यान रहे, राव सुल्तान पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। राव सुल्तान, हमें इच्छी भी चाहिए। हमें तुरंत ही बिजोलिया की ओर हमारी सेना के साथ कूच करें। यूसुफ खान जी, आपको क्या करना है हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। आपको यहाँ रह के बूंदी की रक्षा कर, क्या पता कहीं वो उदय सिंह जी यहाँ पे ना आ जाए बूंदी पे आक्रमण करने के हेतु। समझ गए ना आप? तो आप यहाँ रहेंगे और आप हमारे साथ चलेंगे। चलिए। मगर हुजूरे आला, बैरम खान साहब को इस मंसूबे के बारे में तो इल्म नहीं है। उनके हुक्म के बिना हम ये मुगल छावनी कैसे छोड़ेंगे? यूसुफ खान जी, आप मूर्ख हैं क्या? मूर्ख दिखते तो नहीं है, समझदार दिखते हैं। आप तो समझिए, वहां पे बिजोलिया में मेवाड़ की मेवाड़ का राजकोष है। हुकुम। उदय सिंह बड़ी ही तीव्र गति से अपनी पूरी सेना के साथ हमारे मुख्य द्वार की तरफ चले आ रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली, हमने कहा ही था कि उदय सिंह जी यहाँ आएंगे आक्रमण करने के लिए और आए। यूसुफ खान जी, आप संभाल लीजिएगा, बस एक बार मेवाड़ की रानी है और मेवाड़ का राजकोष हमारे हाथ लग जाए, तत्पश्चात तो उदय सिंह जी को हम यूं हमारे इशारों पे नचाएंगे और यूं हम उन्हें पराजय भी कर लेंगे। समझे? समझे जी बाबा। मेरे प्यारे नमक हराम, एहसान फरामोश दोस्त, बोल बोल क्या करूं मैं तेरे। बहराम खान, अब चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, इस था को कोई अंतर नहीं पड़ता। अब तो पड़ता है। बोल प्रताप कहाँ है? बोल। बहराम खान, अभी अभी कुछ समय पहले पहुंचे तो मैं ना केवल प्रताप का बल्कि उसके पूरे परिवार का होता पता देता। हो सकता था पूरे वंश को समाप्त करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से उसने प्राणों की प्रवाह किए बिना धूप जैसे विश्वासघाती को वचन देकर वचन निभाकर दिखाया है, उसने अपनी मातृभूमि और हमारे जंगल को बचाया है। इसके बाद बहराम खान, तुम चाहे मुझे जो कुछ कर दो, मेरे भूसे प्रताप के लिए कुछ नहीं निकाल पाओगे, कुछ नहीं। यदि मेरे जैसे लोग मर भी जाएं, तो इस संसार को कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता, पर हाँ, यदि
कुंवर प्रताप को जीवित रखने के लिए हम जैसे लोग मरते हैं, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। मेरी सलाह मान लो, लौट जाओ दिल्ली, जाकर कह दो अपनी बादशाह को कि भले वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर ले, लेकिन जिस धरती पर कुंवर प्रताप जैसा इंसान जीवित है उसको कभी नहीं मिल सकता, वो व्यवहार पर कभी अपना अधिकार नहीं कर पाएगा। कुंवर प्रताप, आपने ना हमारे कबीले को बचाया है, अभी तो पूरे जंगल को नष्ट होने से बचा लिया। मैं सारे कबीले की तरफ से आपका भार व्यक्त करता हूँ। राणा खेताजी, हमने जो कुछ भी किया वो सब हमारे गुरुवर के आशीर्वाद का फल था। कीर्तिमान भव, विजय भव। ये हमारी वन देवी का रूप है, इसे हमने आपके लिए एक ही पत्थर से बनाया है, और ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली हो। कुंवर प्रताप, इसे हमारी कुल देवी का आशीर्वाद समझ कर रख लीजिए, इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु जब हम वापस यहाँ आएंगे तब इन्हें अवश्य अपने साथ मेवाड़ ले जाएंगे। वापस आएंगे तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं कुंवर प्रताप? कहाँ जा रहे हैं आप? ये सत्य है कि बैरम खान को आगे बढ़ने से रोकने में हम सक्षम हुए, किंतु ये भी सत्य है कि संकट अभी समाप्त नहीं हुआ। हम जानते हैं गुंडू, ये तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं, हमें तुरंत वापस वहां जाकर बैरम खान की योजनाओं को जानने के लिए रथा और अपने मित्रों के साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। न जाने क्यों उन लोगों के प्रति हमारे मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। तीन तक गिनेंगे, सिर्फ इतना ही वक्त है तेरे पास, अगर तूने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो एक एक ओ ओ पता पता कहाँ है? अगर तुम्हें कुंवर प्रताप के बारे में जानना है तो नत्था को मार के तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सुभान अल्लाह, कमाल हो गया ये तो। लेकिन हमारी एक बात सुन लो तुम सब, कान खोल के, अब हमें तुम लोगों से ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि प्रताप कहाँ है, क्योंकि जहां तक हम प्रताप को जानते हैं वो खुद ब खुद तुम लोगों को बचाने यहाँ आ जाएगा। तुम लोग खुद तो मरोगे, वो प्रताप भी अपने आप तुम्हारे जाल में फंस गया। बैरम खान, तुम्हारे लिए हर जीवन मात्र एक चाल हो सकती है, किंतु हमारे लिए नहीं। हम अपनी आंखों के सामने अपने मित्र को मरते हुए नहीं देख सकते।